अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? देखिए फ्रेंड्स, कल हमने बनाई थी नाश्ते में सिंपल इडली, लेकिन इसमें हमने आज जो इडली बनाई है, आज हमने स्टफ़ इडली बनाई है। कल जो हमने जो रेडी टू मेक होता है पैकेट बाज़ार में जो मिलते हैं उससे हमने इडली बनाई थी, लेकिन आज हमने जो घर में ही चावल वगैरह जो भिगा कर रखते हैं दाल, उससे इडली बनाई है। और ये भी इडली बहुत अच्छी बनी है, और ये स्टफ़ इडली है। इडली के अंदर जो है आलू की स्टफिंग डाली हुई है। तो इस तरह से हमारी इडली तैयार हो गई है। और कल मैंने सांभर का आपको वीडियो नहीं बताया था, क्योंकि सांभर बनने में बहुत लेट हो गया था, इसकी वजह से मैं नहीं बता पाई थी। तो आज मैं सांभर भी आपको बताऊंगी कि हमारा सांभर भी बनकर रेडी हो चुका है। तो मैं दिखाती हूँ आपको सांभर भी हमारा कितना टेस्टी बना है, और देखिए हमारा सांभर कितना टेस्टी और कितना अच्छा बना है। और उसके बाद हमने जो है खाने में बनाए थे ये मीठी रोटी जो होती है, इस तरह से हमारे इसको बहुत मतलब बहुत सारे लोग इसे महाराष्ट्र में खाते हैं, बहुत सारे लोगों के घर पर बनती है ये इसको बोलते फ्राई करते हैं, पूरिया जो होती है ना हमारी, इस तरह से इसको पूरी की तरह फ्राई करते हैं घी में, और फिर उसके अंदर शुगर सिरप जो होता है, शुगर सिरप में इसको डिप करते हैं या इसके ऊपर डालते हैं चाशनी हम शुगर की, और फिर इसके अंदर डालते हैं खोबरा होता है और ड्राई फ्रूट्स होते हैं सब, जो अपन को मर्ज़ी चाहे वो, और इसके ऊपर वो मतलब डेकोरेट करते रहते हैं। तो ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, जिस तरह से हम लोग वो ब्रेड का हलवा बनाते हैं और शाही टुकड़ा बनाते हैं, उस तरह से ये हमारे जो रोटी होती है मतलब जो हमारी पूरी होती है, इस तरह से मीठी पूरियाँ बोलते हैं या इसे चोंगे भी बोलते हैं महाराष्ट्र में। तो इस तरह से ये डेकोरेट होता है, और जो ये चाशनी है ये इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है पूरियों में, तो बहुत टेस्टी लगता है और बहुत अच्छा लगता है। इसे दही के साथ जैसे हमको खाना है, दही के साथ खा सकते हैं, श्रीखंड के साथ खा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये बहुत बनता है, कोई मेहमान आए कुछ आए तो हम लोग इसे मीठे के तौर पर भी सर्व करते हैं, क्योंकि एक तरह का मीठा ही और अच्छा ही लगता है खाने में। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर बनाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।